हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ SGBA यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके सारे प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, रिजल्ट कैसे चेक करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SGBAU एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। SGBAU एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्द ही रिलीज होने वाला है सभी कोर्सेज के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं, करंट सिटी, इस स्टेट की कौन सी सिटी में रहते हैं आप, इंटरेस्ट के कोर्स, किस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन गेट पे कौन सी पे क्लिक कर लेना। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू SGBAU से कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमरावती यूनिवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन महाराष्ट्र डे द 1 May 1983 टू सेटिस्फाई द मोस्ट ऑफ एजुकेशन नीड ऑफ द रूरल कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न विदर्भ। ये वेस्टर्न विदर्भ यानी कि पश्चिमी विदर्भ के रूरल कम्युनिटी यानी कि ग्रामीण समुदाय के शैक्षिक आवश्यकताओं यानी एजुकेशन नीड्स के लिए ये आपका पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 मई 1983 को महाराष्ट्र डे को अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, स्टेबलिस्ट किया गया था। तो यूनिवर्सिटी हैज़ इन नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन डिटेल्स जान सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं, UPES यूनिवर्सिटी, डब्ल्यू प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोइंका यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, इवेंट एंड डेट्स। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका अगस्त 2023 में रिलीज़ होगा और लास्ट डेट आपका अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जब अनाउंस किया जाएगा तो आपको यहाँ पे डेट बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो जो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है यहाँ पे PNG फॉर्मेट में। और यहाँ पे अपना फिर पर्सनल डिटेल्स देना है, यूनिवर्सिटी, कॉन्टेक्ट, एजुकेशन, बैंक और अदर डिटेल्स दे देने हैं। उसके बाद आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से देख लेना है कि आपने सब कुछ करेक्ट फिल किया है या फिर कुछ रॉन्ग है मीनिंग में, तो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फ़ी पे कर लेनी है। एप्लीकेशन फ़ी के पे करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा। और यहाँ पे करेक्शन रेट भी आता है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप करेक्शन डेट चेक करते रहिएगा। जब करेक्शन डेट आएगा तो आप वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी रॉन्ग किया रहेगा वो आप करेक्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट का, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना देख लेना है कि क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। यहाँ पे बात करते हैं रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर आता है कैंडिडेट का, वो आपको रिज़ल्ट आपका परसेंटाइल स्कोर में आता है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ सब कुछ फिल कर लेना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड कर लेना है, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, जो कि आपके काउंसलिंग प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस में काम आएगा। और यहाँ पे आपका दिया गया है एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कैसे आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है इसमें। एडमिशन आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपको क्या करना है, अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है और स्कैन डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने हैं, और आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे शूज फिलिंग और कैटेगरी और सीट अवेलेबिलिटी के अनुसार जितनी सीट रहेंगी आपने जो चूज़ किया है, और कैटेगरी के अनुसार आपका यहाँ पे शीट्स मिल जाएंगी आपको। और यहाँ पे आपका दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल से मैंने बता दिया। तो अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।